झारखंड समेत पूरे देश में रोजगार का क्या स्तर है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ताज़ा उदाहरण अग्निपथ योजना जब केंद्र सरकार ने लॉन्च किया तो उसके खिलाफ में, उसके विरोध को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि वो विरोध प्रदर्शन अब थम सा गया है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची में, जहां की तस्वीरें सीधे तौर पर आपको दिखाएंगे कि श्रम विभाग के तौर के बैनर तले भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जो प्राइवेट कंपनियों में जो बेरोजगार नौजवान है वो अपनी नौकरी के लिए यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं, वो अपने रिज्यूमे डाल सकते हैं। जो नोटिस लगाया गया है उसमें तीन पोस्ट के लिए नोटिस लगाया गया है, तीन कंपनियां हैं, रिलायंस निप्पॉन, जी फोर सिक्योर सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड और जीगा फोर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें जो सैलरी बताया गया है वो रिलायंस निप्पॉन के लिए 12 से 15 हज़ार रुपये, जी फोर सिक्योर के लिए 13,000 और जीगा फोर्स प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव के लिए 13,000। पहले की पोस्टिंग रांची में है, दूसरे की नोएडा में और तीसरे का हैदराबाद में है। अब जाहिर सी बात है 12,000 हो या 13,000 हो, इतने कम पैसे में आप जाकर बाहर अगर रहेंगे तो रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। आपको अंदर की तस्वीरें दिखा पाएंगे, कितनी बड़ी संख्या में छात्र पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं वो तस्वीरें आप देख पाएंगे कि तमाम जो लोग हैं ये लोग इस भर्ती कैंप में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं आवेदन दे रहे हैं। आप लोग ये क्या, आप काउंसलिंग कर रहे हैं आप? तो ये छात्रों को जो बताया जा रहा है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसके लिए क्या कुछ करना है, कहाँ आवेदन देना है, ये पहले से जानकारी है छात्रों को? छात्रों को पहले से जानकारी तो था, जैसे मैसेज डाला गया था। स्टूडेंट को मतलब एसएमएस किया या फिर इन्फॉर्मेशन दिया? नहीं, जिनका नंबर यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक्सचेंज में था उनको मैसेज गया हुआ यहाँ से। हाँ, कुछ बच्चे आए हैं? हाँ आए हैं, कुछ आए हैं जो इच्छुक थे, जिनको काम करने का मतलब वो था तो आए यहाँ पे। उन्होंने फिर जिन्होंने नहीं कराया था वो करा रहे हैं अपना, और जिन्होंने करा रखा था ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है। तो आपको एक बार तस्वीरें दिखा पाएंगे जो तमाम जो छात्र हैं अपनी क्वेरी लेकर यहाँ पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि वो इस नौकरी में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि तमाम जो चेयर हैं, टेबल हैं, वो पूरे की पूरी खाली पड़ी है, इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इतनी कम सैलरी में वो शायद हो सकता है कि नहीं जाना चाहते हों। तमाम जो लोग हैं ऑर्गेनाइज़र हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लोग तमाम लोग छात्रों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो लोग कहीं ना कहीं ये बता सकें कि वो उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। कुछ एक लोग हैं जो उनसे बात करने की भी हम कोशिश करते हैं। और सर, इस बार बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, क्या लग रहा है, वो कोरोना का इम्पैक्ट है या फिर लोगों तक जानकारी नहीं मिल पा रही है? लोगों तक तो जानकारी गई है, लगभग 10,000 बच्चों को, मोटा मोटी 7-8 हज़ार बच्चे को भेजा गया है, मैसेज पेपर में भी आया है। हाँ, कम संख्या माने के कारण क्या हो सकता है, आप लोग का एक्सपीरियंस क्या कहता है? हमको लगता है थोड़ा सा अब कोरोना भी हो सकता है, प्लस जो बच्चे लोगों का मान लिया जाए अभी बरसात का मौसम है, अब हो सकता है परीक्षाएं वगैरह हो सकती हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो बेहतर चाहते हैं कि अपने राज्य में, अपने प्रदेश में ही उनको नौकरी मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस भर्ती कैंप पे छात्रों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो लोग इतनी कम सैलरी में हो सकता है कि बाहर जाना नहीं चाहते होंगे। हमें ये भी याद है कि जब सत्यानंद भोक्ता जी बतौर श्रम मंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट में शामिल हुए तो उन्होंने ये दावा किया था कि बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा हितकारी लाभ दिए जाएंगे। उसके लिए उन्होंने ये भी आश्वस्त किया था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दी जाएगी, लेकिन वो फाइलों से बाहर नहीं निकल सकी है। हालांकि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल का करीबन 2-2.5 साल बचा हुआ है, अब तक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलना, ये रोजगार के मोर्चे पर बहुत ज़्यादा काम नहीं होना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि छात्रों को लेकर के या बेरोजगारी को लेकर के या रोजगार के विषय पर झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार कहें या फिर श्रम विभाग कहें बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। ये दीगर बात है कि ऐसे भर्ती कैंप में बहुत इक्का दुक्का जो छात्र हैं वो आते हैं और अपना इंटरेस्ट जरूर दिखाते हैं, लेकिन ये खाली चेयर ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा जो छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, आशावादी नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि श्रम विभाग बेरोजगारों को लेकर के और बेरोजगारी भत्ता देने को लेकर यथाशीघ्र कदम उठाएगा ताकि बेरोजगारी का दंश जो छात्र झेल रहे हैं उनको इससे निजात मिल सके। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ रांची से न्यूज़ 22 स्कोप के लिए शाहनवाज़।